नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट UGC नेट जून 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं और उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो गया है, तो कैसे उस मिस्टेक को आप लोग दोबारा से करेक्शन कर पाएंगे, उसकी A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक करेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसका थंबनेल आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पर दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि NTA ने नया डेट जारी कर दिया है, तो ऐसे में दोस्तों जो भी कैंडिडेट मेरा पहले वाला वीडियो देखे थे और ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि क्या आपका नया डेट होने वाला है, यानी अप्लाई करने का भी डेट आप सभी का बदल दिया गया है और करेक्शन करने का भी डेट बदल दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि पहले वाला करेक्शन डेट होगा, तो उन सभी का यहाँ डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसका नया करेक्शन डेट जारी कर दिया है NTA ने फुल नोटिफिकेशन के साथ। मैं आप सभी को A to Z जानकारी देने वाला हूँ और जो भी सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, उन सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, ताकि इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसका जानते हैं कि लेटेस्ट डेट क्या कुछ जारी किया गया है और क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है करेक्शन से रिलेटेड, तो सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि NTA द्वारा UGC नेट का जो लेटेस्ट डेट निकाला गया है अप्लाई डेट और करेक्शन डेट का, तो नोटिस ओपन हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कुछ आप सभी के डेट में परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है, सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है और बताया गया है कि कब से कब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले देख लीजिए कि आप सभी का पहले का जो अप्लाई डेट लास्ट डेट था वो आपका 15 मई था, जो कि अब बढ़ाकर 19 मई कर दिया गया है। और इसी बीच यहाँ पर करेक्शन विंडो आप सभी का 18 से 20 मई तक ओपन होने वाला था, पर इसको बदलकर अब 21 मई से लेकर 23 मई तक आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिस्टेक हो गया है, तो लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर करेक्शन कर सकते हैं आसानी के साथ है। कौन कौन से डिटेल्स में आप लोग करेक्शन कीजिएगा, उसकी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर डेट देख लेना है दोस्तों, ये डेट आपका बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनल डेट आप सभी का 21 मई है, पर दोस्तों ये डेट आपका पक्का नहीं है, यानी परमानेंट ये डेट नहीं है, हो सके फिर से बदलाव किया जाए। तो ऐसे में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसका जो भी नया इसका आए इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को तुरंत बता सकूं। तो आप सभी का 21 तारीख डेट दे दिया गया है, 21 से 23 के बीच आपका सुधार होने की यहाँ पर तिथि को बता दी गई है, पर कौन से डिटेल्स को आप लोग बदलाव कीजिएगा वो जान लीजिए। सबसे पहली बात कि दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर को यहाँ पर नहीं बदलाव कर सकते, यानी तीन डिटेल्स को आप लोग यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी हर एक डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी भी डिटेल्स के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक को आप लोग यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो मान लीजिए डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, या मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी या उसका स्कैन में प्रॉब्लम होने के कारण गलत अपलोड हो गया, तो दोबारा से आप लोग करेक्शन के दौरान अपलोड कर पाएंगे आसानी के साथ है। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर भी रहता है, या उसको भी आप लोग यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, यानी सिटी को भी परिवर्तन कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है, और सब्जेक्ट में भी बदलाव कीजिएगा आसानी के साथ। पर दोस्तों, जैसे ही इसका करेक्शन विंडो ओपन की तिथि आएगी, उस दिन आप सभी का NTA फिर एक लेटेस्ट अपडेट जारी करेगा, जिसमें हर एक सुधार से रिलेटेड जानकारी दी हुई होगी। इसमें सिर्फ आपका डेट को बताया गया है कि इस डेट को आप सभी का करेक्शन होने वाला है, पर जब करेक्शन की तिथि जारी होगी, यानी जब करेक्शन का दिन आएगा, जब करेक्शन विंडो ओपन होगा, तब एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें जितना भी करेक्शन होने से रिलेटेड डिटेल्स रहेगा उसकी सूची वहाँ पर दी हुई होगी। मैं यहाँ अनुमानता आप सभी को बता देता हूँ कि आप स्पेलिंग मिस्टेक में आसानी के साथ बदलाव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर एक बदलाव कर सकते हैं, फ़ोटो भी दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर भी, और हर एक जानकारी को आप लोग दोबारा से सुधार कर सकते हैं, सिवाय तीन डिटेल्स के जो कि आपका आपको मैंने पहले बता दिया है। तो
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।